नमस्ते फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, धन्यवाद। फिर से वैदिक विजन प्लेटफॉर्म का बड़ा अच्छा धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो सेशन देने से काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ में सब हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी अच्छे सूत्र जानने को मिलते हैं, और हम भी शेयर कर सकते हैं कुछ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो बाद में पूछ सकते हैं। वहाँ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ आज का जो सब्जेक्ट है ये डिजीज असेसमेंट का है। ये बहुत फेमस है, बहुत जनरल है। सबसे पहले इसका मैंने आर्टिकल लिखा था 2010 10 या 11 में, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन गायत्री देवी का, अरे वीवी रामन का था ना, बेंगलोर में। वहाँ ये मैंने पूरा विवरण दिया था, डिसीज कैसे ऐसा किया था जाता है, और उसमें भी दिया था बाद में जेनेटिक डिसीज के लिए भी, वो D12 लिया था। तो यहाँ हम, ये बहुत फेमस रूल है और बहुत सारी जगह पे ये यूज़ न्यूज़ होता है। जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर है, जो बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, ये इसको यूज़ करते हैं। वो शेयर नहीं हम आज शेयर कर लेते हैं उसको, ताकि सबको थोड़ा जानकारी मिले। तो ये वाइफ का चार्ट था, मुझे पूछा था कि हेल्थ इश्यूज है तो वो क्या है और कैसे ठीक हो सकता है। तो यहाँ एक अच्छा रूल है, सूत्र है, रूल है, मेथड है, आप जो भी समझना है समझ सकते हो। कि भाई सबसे पहले 6 लॉर्ड कहाँ है उसको पकड़ो, कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो 6 लॉर्ड लियो एसेंडेंट है वाइफ का, और उसका 6 लॉर्ड है शनि कैपिटल सैटर्न सैटर्न। सैटर्न इज इन पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र यानी कि शनि के ही जी नक्षत्र में बैठा है। तो करेक्ट। ये 6 लॉर्ड जहाँ भी बैठा है उसका VDR यानी कि विश्वोत्तरी दशा रूलर दृष्टिकोण में कहाँ बैठा है, बेसिकली अच्छा दृष्टिकोण को पकड़ना है। अच्छा हमारे क्लासिक में भी दृष्टिकोण से हमें पता चलेगा कहाँ व्रण है, कहाँ रोग है, कहाँ निशानी है, वो इसी से पता चलता है। करेक्ट। ऐसा पूरा पूरा विवरण दिया हुआ है। अगर आपको पूरा विवरण देखना है तो मोतीलाल बनारसी दासी की सचित्र ज्योतिष शिक्षा, वो पुस्तक है, 7 भाग में है। उसमें फलित के 3 भाग है, उसमें फर्स्ट भाग में ये पूरा दृष्टिकोण का विवरण दिया हुआ है। यहाँ ये सूत्र नहीं दिया हुआ है, ये ट्रेडिशनल है। हाँ तो यहाँ ये 6 लॉर्ड जिस स्टार में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र का स्वामी दृष्टिकोण में कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, वो देखा। अच्छा तो शनि यहाँ दृष्टिकोण में D3 में वृश्चिक राशि में बैठा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा कि वृश्चिक राशि क्या है। तो इंटरनल ऑर्गेन्स, सेक्रेटिव पार्ट्स, तो दिस इज अ क्लू। ये आपको क्लू देगा सबसे पहले कि भाई हाँ, इंटरनल ऑर्गेन्स मीन्स गायनेकोलॉजिकल एब्डोमिनल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से आपको आगे बढ़ के उसको पकड़ना है कि भाई नाताल में चंद्र मंगल कुछ बिगड़े हुए हैं क्या। अगर ये भी बिगड़े हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि राहु की एक्सेस में है, लाओगे चंद्र मंगल शनि की राशि में है, 7th हाउस में है, यानी कि इनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सकता हो सकता है। और साथ में इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम, एनेमिक बॉडी, हेडेक, बैक पेन, ये सब, ये बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस है उसके, जो मैंने उसको लिख के दिया था कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के मांगा था कि आप मुझे पूरा विवरण लिख के देना। तो हाँ ये स्टूडेंट है वैसे एस्ट्रोलॉजी के दोनों। तो फिर उनको मैंने ये सूत्र समझाया था कि इस प्रकार से देखते हैं उसको। तो यहाँ से हमको पता चलता है,
अभी और भी कंफर्मेशन की विधि है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर एक राशि के आपको 36 भाग करना पड़ेगा। डीसी का, डीसी का 36 भाग करोगे हर एक राशि का, वैसे 12 हर राशि के 36 भाग, अल्टीमेट बाय बाय 36, तो आपको वहाँ भी पता चलेगा। अगर आप जैमिनी फॉलो करते हो तो आप D6 लेते हो, जेनेटिक को देखना है तो D12 ले सकते हो, क्रॉनिक देखना है तो D8, लेकिन D8 का कोई इम्पोर्टेंस दिया हुआ नहीं अभी तक मैंने नहीं देखा। D3 है, D12 है और जैमिनी में D6 है, तो इस प्रकार से यहाँ हम D6 भी एसेस कर सकते हैं। सो बहुत धन्यवाद। सिंपल सर, पर एक क्वेश्चन था, आपने मून को क्यों लिया? क्योंकि मून वहां डेब्लिटेटेड होता है इसलिए। नहीं, मून और मंगल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, तो लेडीजों में मून और मंगल को देखना है, अगर वो एफेक्टेड होगा तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, वो आपकी बात बराबर है कि पहले तो नहीं पता हमको कि उनको गायनाकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, तो मुझे पहले भी नहीं तो पता हम था। लोग स्कॉर्पियो साइन है, तो हम लोग स्कॉर्पियो को लेके चलेंगे ना, तो मतलब फिर मून को क्यों पकड़ा, वो क्वेश्चन है। ओके, हाँ, मंगल, मंगल को वृश्चिक का अधिपति है, ठीक है, और वो मंगल और चंद्र दोनों इसमें देखा जाता है गायनेकोलॉजिकल मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए, तो वुमेन तो है तो फिर देख ही लेने का कि अगर मून मास गायनेकोलॉजिकल राइट। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो उसको देखना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। ठीक है तो सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगेन वंस अगेन अ वेरी सिंपल सूत्र बाय सर, एंड सबसे अच्छी बात सर, हमेशा बहुत अच्छे बुक्स कोट करते हैं, बिकॉज आई हैव वर्क विद बुक्स अ बुक स्टोर, आई नो ऑल द नेम्स ऑफ सर कोट्स, बट आई हैव नेवर गॉन थ्रू देम, सो मेनी बुक्स आर देयर, लेकिन बुक बुक का हमेशा सर मेंशन करते हैं कि ये बुक में ये लिखा हुआ है, आप भी वो बुक्स ले सकते हैं अपने स्टडी के लिए। सर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, उनके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देते हैं जहां पे उनके बुक्स अवेलेबल हैं। सर की बहुत अच्छी बुक एक रेमेडीज बुक है, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है कि सर की रेमेडी बुक बहुत ही अच्छी है, तो आप भी ट्राई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल्याणम शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु। फ्रेंड्स, Those who are new to our channel, please do subscribe and comment in this video. Is the sutra working? If you all have any doubts, you all can message sir or write in the comment box. Sir will always answer. Thank you, थैंक यू, नमस्ते। sir.